call accuracy, 4.5 then it call precision. Is it? 5.8. Okay. 5.8. Okay. And बंद कर दे. 5.8 यही है. फर्स्ट यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस. व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट प्रिसीजन, व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट प्रिसीजन, होल यूनिवर्स इज गवर्न्ड बाय थ्री थिंग्स, पार्टिकल्स, एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन. होल वर्ल्ड, तो पूरी दुनिया है वो तीन चीजों से गवर्न होती है, चाहे वो एनिमल है, चाहे ह्यूमन है, चाहे फिश है, चाहे रैबिट है, चाहे डॉग है. ठीक है, जितनी भी लिविंग बीइंग है वो इन तीन चीजों से गवर्न होती है. ठीक है, इसमें जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स में प्रिसीजन क्या है? स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है एग्रोनॉमी वालों ने, तो एटलीस्ट पढ़ी ही होगी. क्या है स्टैटिस्टिक्स में? व्हाट डू यू मीन बाय प्रिसीजन? एनोवा बनाया है, किस किस को एनोवा बनाना आता है? आता है एनोवा में एक टर्म आता है मीन सम ऑफ स्क्वायर. आता है ना, इसको ऐसे बोलते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं. मीन सम ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू वेरिएंस. एम आई राइट? एंड वेरिएंस इज इक्वल टू एस बी का होल स्क्वायर. एंड व्हाट इज योर टारगेट? योर टारगेट, एक्सपेरिमेंटेशन टारगेट इज एरर फ्री रिजल्ट. एरर फ्री रिजल्ट कहां से आएगा? जब ये आपका कम होगा. ये कम कैसे होगा? व्हेन योर डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीज, तभी तो कम होगा. ओके, सो व्हाट द एक्टिविटी एनालिसिस ऑफ वेरियंस? इट इज अ एक्टिविटी टू रिड्यूस द वेरिएशन इज नोन एज प्रिसीजन. मींस अगर इसको हम थोड़ा छोटे भाषा में करें, प्रिसीजन इज अ प्रोसेस. क्या हुआ? कोई भी तरीके से जब हम वेरिएशंस को कम करने के या मैनेज करने की कोशिश करते हैं, देन इट कॉल्ड प्रिसीजन. प्रिसीजन क्या हुआ? इट इज अ प्रोसेस. एक्यूरेसी क्या हुआ? इट इज ए गेट एक्यूरेट रिस्पॉन्स, रिजल्ट हो गया. तो एक्यूरेसी इज द रिजल्ट ऑफ प्रिसीजन. इज इट क्लियर? एक क्लोज, नजदीक ऐसा कुछ नहीं है. एक्यूरेसी इज द रिजल्ट एंड प्रिसीजन इज द प्रोसेस. नहीं समझ में आया शोभना? किसका रिपीटेशन करते हैं? किसी भी डेटा का या किसी भी एक्सपेरिमेंट का. जब रिप्लिकेशन की बात कर रहे हो आप रिप्लिकेशन की बात कर रहे हो, रैंडोमाइजेशन की बात हो रही है, लोकल कंट्रोल की बात हो रही है, यही बात कर रहे हो ना? फर्स्ट यू अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिप्लिकेशन. रिप्लिकेशन इज, डेफिनेशन बनाओगे ना रिप्लिकेशन, तो हम कहते हैं रिपीटेशन ऑफ द ट्रीटमेंट इज नोन एज रिप्लिकेशन. दिस इज नॉट एग्जैक्ट डेफिनेशन. रिप्लिकेशन इज योर प्रोडक्ट, प्रोसेस इज रिपीटेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव. कहां गया? टू एस्टिमेट एरर. ऑब्जेक्टिव है रिप्लिकेशन का, ऑब्जेक्टिव है एस्टिमेट एरर.
ओके रैंडमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है डिस्ट्रीब्यूट एरर एंड लोकल कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव है मिनिमाइज एरर. दिस इज द ऑब्जेक्टिव एस्टिमेट एरर डिस्ट्रीब्यूट एरर एंड रिड्यूस एरर और मिनिमाइज एरर. तीन होता है ना रिप्लिकेशन रैंडमाइजेशन एंड लोकल कंट्रोल. तो हम इसमें इन सारे तरीकों से वेरिएंस को कम करने की कोशिश करते हैं ठीक है. लेकिन रिपीटेशन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूसिंग द वेरिएशन डायरेक्टली. इट इज ओनली डिफाइन द एरर इन द एक्सपेरिमेंट. क्लियर हो गया. सो प्रिसीजन इट इज अ प्रोसेस किसी भी तरीके से. फॉर एग्जाम्पल हमें हॉस्टल जाना है. हम साइकिल से गए. पहली बार गए 5 मिनट लगा, दूसरी बार गए 7 मिनट लगा, तीसरी बार गए 10 मिनट लगा ठीक है. और हमको पहुंचना है 8 मिनट में. तो हम कितनी स्पीड में साइकिल ले जाए कि हम 8 मिनट के आसपास पहुंच जाए. प्रोसेस हो गया. हमारी साइकिल की स्पीड कितनी होनी चाहिए. हम हमारी स्मूथनेस कितनी है सड़क की. कौन सी सड़क पकड़े कि हम जो 8 मिनट में पहुंच जाए. प्रिसीजन इज अ प्रोसेस एक्यूरेसी इज अ रिजल्ट. सो इन केस ऑफ प्रिसीजन एग्रीकल्चर इट इज अगर हम डिफाइन करें अपने ट्रेडिशनल टेक्निक से तो प्रिसीजन एग्रीकल्चर इज ए प्रोसेस टू हार्नेस सोलर एनर्जी फॉर बेटरमेंट ऑफ 5F ठीक है. इट इज ए प्रोसेस प्रिसीजन में प्रोसेस क्लोज रिजल्ट के लिए. सो इट इज अ प्रिसीजन. इज इट क्लियर. कुछ नटसल आइडिया लग गया हम प्रिसीजन में क्या बात करेंगे. इज इट क्लियर. किसी दिन एक्स्ट्रा क्लास अगर कभी हमारे पास टाइम रहा तो ये अभी ये न्यू कॉन्सेप्ट आया जो हमने अभी आपको बताया है. क्या बताया है. पार्टिकल एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन. इसको टेक्निकली बोलते हैं नोट कर लो कहीं पे क्वांटम एग्रीकल्चर. कहीं मिलेगा नहीं तुमको क्वांटम एग्रीकल्चर. नोट कर लो इसको डिफिनेशन में आ जाएगा. ये एडवांस है. यही एग्रीकल्चर बताती है कि सब एक है. लिविंग नॉन लिविंग एक्स वाई जेड ईच एंड एवरीथिंग इज एंड द प्रोसेस इज एनर्जी पार्टिकल एंड इंफॉर्मेशन. वो प्रिसीजन का एडवांस वर्जन है. कभी अगर याद आएगा तो हम इस पर डिस्कस करेंगे. खत्म हो जाए भाई. अब हम आते हैं डिफिनेशन ऑफ प्रिसीजन एग्रीकल्चर. डिफाइन डिफिनेशन. डिफिनेशन कुछ डाउट हो तो बीच बीच में पूछ लेना. हाँ बेटा डिफिनेशन. सो क्योंकि हमने I was started with statistics. So, पहली डिफिनेशन हम स्टेटिस्टिकली लिखते हैं. स्टेटिस्टिकली प्रिसीजन एग्रीकल्चर PA टर्म हम यूज करेंगे इज 1 माइनस. स्टेटिस्टिकली प्रिसीजन एग्रीकल्चर इज 1 माइनस SD. How 1 माइनस SD? How? To provide equal opportunity to each and everyone in the field. वो कब हो सकती है. जब हम होमोजेनस की बात करें. अब प्लस ओए ये तो गड़बड़ हो गया.
इन होल सिस्टम दैट इज ए प्रोबेबिलिटी इज वन एंड मैक्सिमम लिमिट इज वन. सो वन इज योर होल सिस्टम एंड इन योर फील्ड, सपोज दिस इज योर फील्ड, सम पोर्शन आर होमोजिनस एंड सम पोर्शन आर हेटरोजिनस. सो टोटल इज वन. सो इफ यू सब्सट्रैक्ट हेटरोजिनिटी फ्रॉम दिस देन यू विल फाइंड होमोजिनस. मीन्स क्रिएट होमोजिनिटी बाय सब्सट्रैक्टिंग द हेटरोजिनिटी. ठीक है, एसटी क्या हुआ? हेटरोजिनिटी हो गया, वेरिएशन हो गया. स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिकेटर ऑफ वेरिएशन एंड वेरिएशन क्रिएट हेटरोजिनिटी. सो क्रिएट 1 माइनस एस डी. हाउ इट इज प्रूफ? पीसीएन एग्रीकल्चर इज 1 माइनस एस डी. 1 इज कंप्लीट इन टोटो एंड 1 इज इक्वल टू हेटरोजेनिटी प्लस होमोजेनिटी. वंस यू रिड्यूस सब्सट्रैक्ट हेटरोजेनिटी फ्रॉम 1, रिमेनिंग इज होमोजेनिटी एंड प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ईच प्लांट और ईच क्रॉप और ईच प्लेस इज द मेन मोटो ऑफ प्रिसीजन एग्रीकल्चर. ठीक है, तो दूसरा डेफिनेशन इसमें आ जाएगा, क्रिएट होमोजेनिटी विद इन द हेटरोजेनिटी. हेटरोजेनिटी क्रिएट होमोजेनिटी विद इन द हेटरोजेनिटी. ये तो है फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज प्रिसीजन एग्रीकल्चर. मींस वन, वन माइनस एस डी. दूसरा क्रिएटिंग होमोजेनिटी विद इन द हेटरोजेनिटी बिकॉज ऑफ यू नीड टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ईच वन. फॉर एग्जाम्पल यहां पे हमारे 4, 3, 7 स्टूडेंट. अब 7 स्टूडेंट में सबका आईक्यू एक जैसा नहीं है, सबकी लैंग्वेज एक जैसी नहीं है, सबकी पढ़ने की कैपेसिटी एक, अंडरस्टैंडिंग एक जैसी नहीं है. लेकिन हम टीचर हैं, हम तो एक ही तरीके से सबको पढ़ा रहे हैं. अब ये तुम्हारा है कि तुम परसीव कर पाओ या ना कर पाओ. ये तो हो गया हमारा ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर कि हम पौधे में रिकमेंडेशन दे दिया 150 एंड 60 40. लेकिन सारे पौधे को तो चाहिए नहीं, सॉइल में बहुत सारी वेरिएशन है, बड़ी हेटरोजेनिटी है. तो कहीं पे तो वो ओवर हो जाएगा, कहीं पे वो डेफिसिट हो जाएगा, कहीं पे ऑप्टिमम होगा. सो मीन्स यू आर वेस्टिंग योर इनपुट. ठीक है, सो क्रिएटिंग होमोजेनिटी विद इन देम, मुझे कहां पे हमको ज्यादा देना है, कहां पे कम देना है, उसको फाइंड करना है, उसको डिलिनिएट करना है. ठीक है, वो कैसे करेंगे हम आगे बात करेंगे. देन थर्ड डेफिनेशन, प्रिसीजन एग्रीकल्चर इज नंबर वन, सब टाइटल लिखना, इसको डेफिनेशन बना लेना, इज नॉट ए टेक्नोलॉजी. प्रिसीजन एग्रीकल्चर इज नॉट ए टेक्नोलॉजी. बी क्लियर, हम टेक्नोलॉजी नहीं है. ये क्या है? इट इज ए रूम फॉर टेक्नोलॉजी. इट इज अ रूम फॉर टेक्नोलॉजी. क्लियर है? प्रिसीजन एग्रीकल्चर इज नॉट ए टेक्नोलॉजी, इट इज अ रूम फॉर टेक्नोलॉजी. रूम मतलब एक कमरा है जिसमें डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हो जाएगा, यहां पे टेक्नोलॉजी की जगह, जिसमें डिफरेंट टेक्नोलॉजी वर्क साइमल्टेनियसली इन ए सिस्टम. अब जैसे सिस्टम की बात आती है, सिस्टम जानते हैं, यू नो सिस्टम, व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम? एजुकेशन सिस्टम, बॉडी सिस्टम, मैनेजमेंट सिस्टम. क्या है सिस्टम? अगर डिफाइन करना है सिस्टम को तो कैसे करोगे? एजुकेशन सिस्टम, इसमें 3 कंपोनेंट है, टीचर, स्टूडेंट, नॉन टीचिंग स्टाफ, सब इंडिविजुअल. सर, कंपोनेंट्स, सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कंपोनेंट्स विद एक्ट साइमल्टेनियसली. या राइट, सिस्टम
इज ए कंपोनेंट ऑफ फैक्टर्स विच वर्क इंडिपेंडेंटली फॉर कॉमन आउटपुट। इस पूरी यूनिवर्सिटी सिस्टम में क्या है, टीचर अपना काम करता है, स्टूडेंट अपना काम करता है, नॉन टीचिंग स्टाफ अपना है, लेकिन सबका बेसिक आउटपुट क्या है, डिग्री प्रोवाइड करना। ठीक है, सो इट इज ए रूम ऑफ टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजिकल सिस्टम। यहां पे टेक्नोलॉजी आर रूम, इट इज ए सिस्टम वेयर डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी ऑपरेटेड इंडिपेंडेंटली फॉर बेनिफिट ऑफ कॉमन आउटपुट। कॉमन आउटपुट वही हो गया। अभी जो प्रॉब्लम क्यों हमें प्रिसिजन एग्रीकल्चर चाहिए उस पर हम बात करते हैं। अब वो टेक्नोलॉजी कौन कौन सी है, बेसिकली इस टेक्नोलॉजी को गवर्न करने वाले टूल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको जो भी टूल टेक गवर्न करते हैं वो प्रिसीजन एग्रीकल्चर के रूम के अंदर आते हैं। अब ये इरेज कर दूं, ये लिखते जाना है, फिलहाल अगर बन जाएगा बढ़िया सा तो शेयर कर दूंगा मैं। ठीक है, हाँ बता ऐसा। अरे तो ठीक है, मुझे तो बस आ गया। ठीक है, आज यहीं पे खत्म करते हैं, मुझे भी बहुत काम है। ठीक है, और इसको कंटिन्यू करेंगे किसी दिन एक्स्ट्रा क्लास में। ठीक है, बाकी अगले का बता दो। कुछ क्वेश्चन है किसी को, कोई क्वेरी है?